एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहा करते थे। टूनी चिड़िया के बच्चे हमेशा अपने पड़ोस के बच्चों से झगड़ा करते रहते थे। टूनी चिड़िया, ये देखो तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चे का क्या हाल किया है। आंटी जी, ये चिंगम ने मुझे बहुत मारा था। माँ, ये मेरे साथ बहुत झगड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने इसको मार दिया। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर बहुत ही परेशान थी। तभी वहाँ पर कालू कौआ आ जाता है। कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारे बच्चे तुमको बहुत ही समझदार और होशियार बच्चे मिलेंगे। बच्चों, ये रही लकड़ियाँ और इनसे तुम्हें अपने अपने लिए घोंसले बनाने होंगे। अब दोनों बच्चे अपने अपने लिए अलग अलग घोंसले बनाने लगते हैं। चुन पूरे दिन मेहनत करने के बाद अब वह बहुत थक चुके थे, इस तरह वह पेड़ पर ही सो जाते हैं। तभी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है। अब उनके घोंसलों में पानी भर जाता है और घोंसले टूटने लगते हैं और रात ही रात में उनके घोंसले टूट जाते हैं। अब वहाँ फिर से दूसरे दिन मेहनत करते हैं और अपने लिए आधे आधे घोंसले फिर से बना लेते हैं। तभी दूसरे दिन भी फिर से बारिश आ जाती है और उनके घोंसले फिर से टूट जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन कालू आता है। तभी बच्चे कहते हैं, अंकल, हमने दो दिनों से बहुत मेहनत की पर हम पूरे घोंसले नहीं बना पाए और आधे घोंसले हमारे बारिश की वजह से टूट चुके हैं। तभी कालू कौआ कहता है, हाँ बेटा, देखा तुमने, मैं यही कह रहा था। अगर तुम दोनों एक साथ मेहनत करके एक घोंसला तैयार करते तो अभी तक बहुत सुंदर और एक पक्का घोंसला बनकर तैयार हो जाता, और वो भी कम मेहनत में और कम समय में। दूसरे दिन बहुत दोनों मिलकर अपने लिए घोंसला बनाने लगते हैं और दोनों की मेहनत करने के बाद शाम तक एक नया और पक्का सुंदर घोंसला तैयार हो जाता है। तभी बारिश आ जाती है और उसमें दोनों भाई बड़े ही प्यार से रहते हैं। बारिश भी उस घोंसले का कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि वह घोंसला बहुत ही पक्का और चारों तरफ से बंद घोंसला था।